ओह माय गॉड, बच गया भाई, अभी स्क्रीन जाती। आज दिन तो पूरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। अभी देखो भाई इसकी हालत कितनी बुरी हो रखी है। कहने को यही है कि अभी इसकी फुल रैपिंग वगैरह होने वाली है। अपने इंडिया में G20 होने वाला है। जितना ही सेटअप यहाँ लगा हुआ है ना, ये सारा सेटअप मुझे यहाँ से हटाना है। और मनीष भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। इस तारीख का ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। कहने को चारों के चारों ब्लॉग अभी ऐसे की ऐसी है। बढ़िया वाले में निकाला हमारे भैया, बहुत खास है। कौन से में निकाला है? फिर मैं एक जगह पकड़ूंगा तो एक जगह से नीचे लटकेगा, फिर वो सेटिंग खराब हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन, चिल करो, फिल करो, जो भी करो मिलके करो। सो गाइस आई होप कि मेरे सारे भाई बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें कि गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है, कहने को आज दिन तो पूरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। दिन की बात की जाए तो टाइम हो रहा भाई 5:47। कहने को आज पूरा दिन, पहली बात तो भाई मैं रात को एडिटिंग करके बहुत लेट सोता हूँ। कहने को भाई 3 से 4 एडिटिंग में यही बच जाते हैं। सुबह उठने में फिर भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहने को भाई मैं उठा था आज 11 बजे। 11 बजे उठ के फाइनली मैंने भाई दोबारा से एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी। खाना पीना खा के फिर एडिटिंग करी, दोबारा से अभी एडिटिंग करके हटे हूँ। और प्लस ये है सीन कि भाई अभी घर में हमारे वाईफाई भी भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज ये चौथा व्लॉग है। कहने को आप लोगों को मैं ये बताऊं कि भाई आज तारीख है 24 तारीख, जिसमें कि भाई 21 तारीख का रिकॉर्ड हुआ हुआ अभी तक व्लॉग नहीं डला। हो सकता है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक तो वो अपलोड हो चुके होंगे, लेकिन भाई अभी अभी मैंने सुबह भैया को बुलाया अपने वाईफाई वाले को। अभी है कि भाई वाईफाई लगा नहीं है। 4 बजे का टाइम कहा था, 4 बजने के बाद अभी 5:49 हो चुके हैं, अभी तक भाई वाईफाई वाले भाई लोग आए नहीं है। प्लस यही है कि आज का दिन कैसा रहता है कैसा नहीं, दिन तो पूरा ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत ये है कि भाई बहुत दिन से मैंने अभी तक अपना जो ये वाला सीलिंग के लिए बैनर था, जो अपना भाई अपनी जो फ्लैक्स लेके आना था राकेश भाई की शॉप से, अब कहने को अब मैं फ्री हूँ वैसे तो, बस वाईफाई वालों का थोड़ा सा इंतजार करना है। वाईफाई फटाफट से लगवाएंगे, फिर वीडियो सारी अपलोड करेंगे। प्लस साथ ही साथ अपने राकेश भैया की शॉप पे जा रहा हूँ मैं, फटाफट से अपने ये वाले लेके आते हैं। बाकी गाइस जो भी आप लोगों ब्लॉग्स में, डेली ब्लॉग्स में जो भी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को बढ़िया से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड गाइस आप लोगों को हमने भाई राइडिंग जैकेट दिखाई थी, कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज़ बताना जरा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका भाई आप लोगों की वजह से ही कर पा रहा है। कुछ टेंशन थी सुबह से शाम, जिसमें कि गाइस थोड़ा सा माइंड थोड़ा ब्लॉग बनाने को नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने ब्लॉग उठा लिया है करने को और आप लोगों के साथ में मिलके ब्लॉग कर रहा हूँ। प्लस साथ ही साथ यही है, अभी फटाफट से वाईफाई वाले का इंतजार करते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी राकेश भैया के शॉप पे चलते हैं, फटाफट से अपना वो फ्लैक्स उठा के लाते हैं, और उसके लिए कील वगैरह भी लेके आनी है तो वो भी लेके आते हैं। और आज मैं फाइनली अकेले ही लगाने वाला हूँ इसको, सारा सेटअप पूरा खिसकेगा फिर अपना इसको लगाएंगे। चलो आओ बाकी इस ब्लॉग को इन्जॉय करते हैं फुल। एंड गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली ये है कि भाई से अपना भाई सेट टॉप बॉक्स लगा था जियो का, जिसमें कि भाई काफ़ी टाइम से तो वैसे भी हम उसे चला नहीं रहे थे, हमने लगा रखा था अपना एयरटेल का वाईफाई, तो वो भी यहाँ से हमने हटा दिया है। प्लस भाई घर में अगर टीवी नहीं चलता ना, तो टीवी बिना भाई पूरा दिन मतलब सूना सूना सा लगता है, बिल्कुल बोरिंग बोरिंग सा। अभी हमने यहाँ पे क्या है भाई केबल हटा दी अपनी, प्लस अभी वाईफाई वाला को इंतजार हो रहा है, और यहाँ पे भाई अपना वाईफाई का यहाँ पे भाई एक डोंगल रखा हुआ था, वो भी यहाँ से अपना हटा चुके हैं। कहने को वो भाई एजेंट आए थे दोनों के दोनों, वो यहाँ से लेके चले गए। प्लस साथ ही साथ ये है सीन कि अभी भाई वाईफाई वाले कब आएंगे कब नहीं, टाइम देखो तो भाई पूरे पूरे मतलब कहने को 6 बजने को हो रहे हैं। प्लस अभी क्या है, अभी तो मैं जा रहा हूँ फिर सीधा अभी राकेश भाई की शॉप पर, वहाँ से अब फटाफट से बैनर उठा के लाते हैं, और अगर इन लोगों का कॉल आ जाता है तो जल्दी से अपना वाईफाई भी लगवाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता अब शायद से टाइम ज़्यादा हो चुका है। ये अब लगाने वाले भी है या नहीं लगाएंगे, या हो सकता है कल सुबह ही लगाए, बाकी अब देखते क्या होता क्या नहीं। बाकी फटाफट से चलते राकेश भाई की शॉप पे, फटाफट से अपना बैनर उठा के लाते आज। बाकी यही था कि मैंने काफ़ी चीज़ें सोची थी कि भाई अपनी बाइक में आज काम वगैरह भी कराएंगे, हम लोगों ने बहुत सारा सामान कन्नू भाई की शॉप पर ला के रख भी रखा है। प्लस साथ ही साथ सीन ये हो गया कि भाई आज कन्नू भाई ने हमें एक वीडियो के लिए भेजी दुकान पे, जब वो थे तो कह रहे थे कि भाई आज शॉप बिल्कुल ऑफ पड़ी है। कहने को भाई कमेटी ने उनकी सारी मार्केट ऑफ कर रखी है। हो सकता है भाई अभी इस टाइम क्या है कि भाई अपने इंडिया में G20 होने वाला है, तो कहने को यही है कि अभी उस वजह से कुछ कैंपिंग वगैरह भी चल रही है 4G वगैरह का। यहाँ पे क्या है कि हमारे एरिया में कैंप वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, 7 से 10 के बीच में अपने भाई छुट्टी वगैरह भी होने वाली है, तो देखते क्या होता है क्या नहीं, उस बारे में कुछ कुछ लोगों से डिटेल देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रहा है। तो बाकी अपनी बाइक पहले मॉडिफिकेशन जल्दी से जल्दी करा लेंगे, बाकी चलते आओ।
तो गाइस ये देखो यार, हमारी गली कितनी बुरी तरह से खुदी पड़ी है पूरी की पूरी, जिसमें कि हम लोग अपनी बाइक भी यहाँ पे खड़ी नहीं कर पा रहे। हमने बाइक खड़ी कर रखी भाई मनीष भाई की शॉप पे, जिसमें कि गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पहले राकेश भैया की शॉप पे, वहाँ से बैनर उठा के और केदार बाइक को देखेंगे अपनी वहाँ पे। और ये देखो भाई गली कितनी बुरा हाल हो रखा है, इस टाइम हम लोग यहाँ पे अपनी बाइक नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। दूर से दूर तक गली एकदम खुदी पड़ी है। देखो पाइपलाइन का काम चल रहा है कुछ यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया था राकेश भैया की शॉप पे। और राकेश भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो हमारा फ्लैक्स बन के तैयार है? तैयार है बिल्कुल ना। तो कहने को यही है कि भाई अभी फ्लैक्स को देखते हैं कैसा बन के तैयार है। बढ़िया वाले में निकाला हमारे भैया, बहुत खास है। कौन से में निकाला है? स्टार पे। तो कहने को उसकी क्वालिटी ना, उसकी शाइनिंग वगैरह ना बहुत ज़्यादा बेस्ट आती है, वो खराब भी नहीं होगा पानी से। फटाफट से देखते हैं वो कहाँ रखा हुआ है। इस वाले यहाँ रूम में रखा हुआ है, फटाफट से उसे एक बार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। भैया वो पेमेंट करते हैं फिर सीधा अपना मनीष भाई की शॉप पे चलेंगे, उसे रख के उसकी कील वगैरह भी लेके आनी है। आओ राकेश भैया एक बार दिखाओ। एंड गाइस ये देखो भाई अपना फ्लैक्स बन के पूरी तरह से तैयार है। अभी इसी को फटाफट से एक बढ़िया से रोल करके फिर हम यहाँ से लेके जाएंगे इसको। ये देखो क्या बात है, अब तो दीवार पूरी की पूरी चमक जाएगी, बिल्कुल बढ़िया हो गई। इसे अच्छे से एक ना रोल कर दो जिससे मैं लेके चले आऊँ आराम से। तो फटाफट से भैया को पेमेंट करते हैं फिर निकलते इसे लेके। वो देखो भैया की यहाँ पे सारी मशीन है जो कि काफ़ी अच्छी, यहाँ पे प्रिंट करते भैया इसको। हाँ ऐसे फोल्ड कर दो। सो गाइस फाइनली अभी मैं पहुँच गया था भाई मनीष भाई की शॉप पे, और प्लस साथ ही साथ भाई मनीष भाई अंदर हैं। और मनीष भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो भाई बाइक कहाँ खड़ी है मेरी? खड़ी कर रखी थी मैंने गेट पे। चलो अभी देख लेते, बाकी मैंने यहाँ पे फ्लैक्स रख दिया है और इसके लिए जो कील लेनी है ना वहाँ सामने वाले भैया किसी शॉप से हम ले लेंगे। और अमित भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। और सुनाओ मस्त एकदम। सो गाइस यहाँ पे खड़ी है भाई निरंकारी भवन के पास अपनी बाइक केदार बाइक। अभी देखो भाई इसकी हालत कितनी बुरी हो रखी है। कहने को यही है कि अभी इसकी फुल रैपिंग वगैरह होने वाली है, सारा का सारा सामान तो इसका आ गया है, लेकिन अब यही है कि इसका काम कल से या परसों तो स्टार्ट कर देंगे पूरा पूरा मॉडिफिकेशन का, फिर आगे कहीं राइड पे भी निकलेंगे। प्लस सामने भाई हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ से अब ना एक फटाफट से कील का पैकेट ले लेते हैं। जिस गाइस फाइनली हमने ले लिया भाई यहाँ पे कील है। क्या है कि वहाँ पे जो भैया की शॉप पे गया था ना वहाँ मिला नहीं था, बाकी ये कन्नू भाई की शॉप के पीछे दुकान थी, तो यहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं ये वाली कील। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर। कहने को भाई राकेश भैया की शॉप से हमने अपना फ्लैक्स भी उठा लिया, प्लस अपने उसके लिए कील भी लिया है। अभी क्या है कि हम लोग उसको काम करने वाले हैं कि भाई अपना सारा का सारा सामान यहाँ से हटने वाला है। प्लस क्या है कि भाई मनीष भाई की शॉप पे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई, मेरे को यही है कि भाई टाइम हो चुका है इस टाइम 8:57, को यही है भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि ब्लॉक को ज़्यादा बड़ा ना करके अपना भाई मैं यहाँ पे इसके लिए कील भी ले आया हूँ, प्लस यहाँ पे भाई अपना फ्लैक्स भी आ गया है। और ये सारा का सारा सामान अब जितना ये सेटअप यहाँ लगा हुआ है ना, ये सारा सेटअप मुझे यहाँ से हटाना है, प्लस उसके बाद ये वाला फ्लैक्स यहाँ पे पूरा पूरा लगाया जाएगा। एंड गाइस बाकी ये है कि भाई वाईफाई का सीन ये है कि अभी तक हमारी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है भाई, वो कल सुबह 9 बजे यहाँ पे हमारे घर पे विजिट करेंगे, जिसमें कि भाई फटाफट से कल यहाँ पे हम लोग अपना वाईफाई भी लगवाएंगे, कुछ शॉट को एंजॉय करते हैं एंड इस फ्लैक्स को फटाफट से अपना जल्दी से लगाते हैं और देखते कैसी अपना भाई स्टूडियो बनता है इस बार। और स्टूडियो में जब ये फ्लैक्स लग जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे जैसे कि अपना भाई पहले बाइक का अलॉय व्हील भी रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे भाई टॉप बॉक्स भी रखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि भाई यहाँ पे इसको लगाया जाए और कुछ अलग अच्छा लगे देखने में, कि अपना स्टूडियो कुछ अपना जैसे कि मतलब कहने को बाइकर्स का लगे। अभी वैसे तो कावासाकी का यहाँ पे मैंने अपने कैप भी रख रखी है, नी गार्ड रख रखे हैं, टैंक बैग रख रखा है, तो बाइकर्स के एक स्टूडियो लगता है बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा इसमें बाइक्स का अलग अलग सा सामान रखेंगे ना इसके अंदर, तो हम लोग थोड़ा और भी अच्छा देख पाएंगे। चलो आओ फटाफट से पहले फ्लैक्स लगाते हैं फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं, कुछ शॉट को इन्जॉय करते हैं, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। फाइनली यहाँ पे भाई अपने स्टूडियो का जितना भी सारा का सारा सेटअप था मैंने यहाँ से हटा के सारा का सारा यहाँ पे फैला दिया है। कहने को यही है कि भाई अभी इस टाइम ना ये सारा सामान इस तरीके से हालत में हो चुका है कि अब जब हम इसका अपना फ्लैक्स लगाएंगे तो ये ऐसे ही के ऐसे ही सेट नहीं होगा, ये सारा का सारा सामान साफ करके लगेगा। प्लस आप लोग बताओ गाइस
सच में भाई आपके भाई की पूरी हालत अभी इस टाइम कैसी हो चुकी है कहने को यही है कि अभी इस टाइम ना सच में गूंज रही होगी आवाज, ऐसा लग रहा है मुझे, मुझे खुद को लग रहा है गूंज रही आवाज। एंड गाइस बाकी फटाफट से अब जल्दी से जल्दी कहने को यही है कि कन्नू भाई फटाफट से अपनी शॉप से आए, प्लस जल्दी से जल्दी उन्हीं का हाथ लगने के बाद हम लोग अपना ये वाला कहने को फ्लैक्स बढ़िया से फिटिंग करा पाए, क्योंकि अकेले मेरे बस की है नहीं लगना, क्योंकि मैं एक जगह पकड़ूंगा तो एक जगह से नीचे लटकेगा फिर वो सेटिंग खराब हो जाएगी। तो अब फटाफट से कन्नू भाई का करते हैं हम वेट थोड़ी देर, बाकी टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है भाई 9:45। अब देखते हैं अपना स्टूडियो कैसा लगता है थोड़ी देर में, ठीक है जी। सो गाइस फाइनली कन्नू भाई आ चुके हैं, प्लस आई साथ ही साथ ये है कि भाई भाई की शॉप पे काम था तो इसलिए आज बहुत लेट हो गया। कन्नू भाई कहाँ रह गए थे? काम था ये रात के समय में काम आ गया था। ओ माय गॉड बच गया भाई अभी स्क्रीन जाती। प्लस गाइस अभी देखो भाई टाइम हो गया 12:02, कहने को भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब सीन समझ नहीं आ रहा। बाकी हमें ये क्या है अभी यहाँ पे भाई अपना फ्लैक्स पे लगानी है और टाइम देख लो कितनी ज़्यादा हो गया। बाकी भाई इतनी देर आप बोलोगे क्या किया आपने, इतनी देर भाई मैंने कम से कम एक वीडियो एडिट कर ली। बाकी कन्नू भाई आ गए, अब यही है कि भाई फटाफट से हमें खाना पीना खाना है, पहले खाना पीना खा के खाने में क्या बनाया कन्नू भाई पता है कुछ? भिंडी, भिंडी की सब्जी। तो खाने में भाई भिंडी की सब्जी बनी है और पराठे, तो फटाफट से उसे पहले खा पी के नहा धो के पहले खा पी के फिर फटाफट से कन्नू भाई से लगवाना है, इसके लिए बुलाया मैंने, ये लगवाना है फ्लैक्स, ये फ्लैक्स फटाफट से हम लगवाएंगे। पहले फटाफट से अपना खाना खाते हैं फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं जल्दी से, ठीक है जी। सो गाइस फाइनली नहा धो के बढ़िया से खाना खा लिया, प्लस टाइम की बात की जाए कन्नू भाई टाइम कितना हो रहा होगा? 1 बज गया है कम से कम, मेरे पास घड़ी नहीं है, घड़ी में भाई एक बार टाइम जरूर देखा जाएगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। टाइम हो चुका है 12:43, कहने को भाई हम लोग फुल रेडी है। कन्नू भाई आप रेडी हो फुल काम करने के लिए? ये जो है भाई हमने फ्लैक्स बनाया, देखो भाई किस तरीके का। कन्नू भाई बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया है पूरी दीवार में भाई ये फटाफट से इस फ्लैक्स को लगाते हैं। आप कुछ शॉट को इंजॉय करो क्योंकि भाई ये बहुत मेहनत वाला काम है एंड ब्लॉग में हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते, नॉर्मली है। फटाफट से इसके कुछ शॉट देते हैं आप लोगों को एंड ये फटाफट से फिटिंग करते हैं। एंड गाइस यही है कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे फिटिंग करने के बाद ही एंड कर दूंगा, क्योंकि कहने का मतलब यही है जो ये सामान है ना सारा का सारा इतना भी सामान है ये क्या है भाई ये फैलावा बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये कल सुबह ही होगा इस टाइम तो ये लगने से रहे। तो आओ फटाफट से इसे फिटिंग करते हैं। चलो भाई कन्नू भाई फुल रेडी? ओके गाइस फाइनली अपना भाई यहाँ पे फ्लैक्स लग के पूरा पूरा तैयार है, प्लस साथ ही साथ ये है कि भाई फ्लैक्स लगाने में ही यहाँ पे भाई हमें टाइम देखो कितना हो चुका है 2:05, प्लस यही है कि गाइस कन्नू भाई तो जाके सो गए भाई, उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प कराई भाई, बहुत सही लगा क्योंकि भाई उनकी हेल्प की ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया था ना अगर एक एक कोना दोनों भाइयों को यहाँ पकड़ना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे ये सेफली रख पाएगा। बाकी फाइनली गाइस ये लग के पूरा पूरा बढ़िया से तैयार हो चुका है। एंड गाइस आप लोग ये व्लॉग को कैसा इंजॉय कराएं कैसा नहीं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और सुबह जल्दी उठना भी है जिसमें कि भाई वाईफाई वाला भी आ जाएगा। तो कहने को यही है कि भाई आप लोग यहाँ तक पहुँचे गए हो, अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो आज के ब्लॉग में तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। आपका भाई फुल मेहनत कर रहा भाई, जो भी है लाइव दिखा रहा हूँ भाई, छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, जितना भी ये फैलावा है ना सारा का सारा भाई सुबह किया जाएगा। अभी इस टाइम हालात अब पूरी हो चुकी है, ना एडिटिंग ना कुछ, अब फाइनली अब फटाफट से सोते हैं। एंड आप लोगों को ये ब्लॉग बता देना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, आपका भाई ने कितनी मेहनत करी भाई, कहने को भाई आपका सुबह शाम आपका भाई मेहनत कर ही रहा है, प्लस अपना स्टूडियो भाई कुछ ऐसा लग रहा है, अभी मैंने लाइट भी बंद कर दी। एंड गाइस बाकी यही है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो एक वीडियो को बढ़िया सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अपने भाई के इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सॉरी स्क्रीन पे लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए गाइस मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कीप लिविंग कीप सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, राइड आर राइट सेव, बड़ों की इज्जत रखो, खुश रहो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, हर हर महादेव।